आप सभी साथियों का इस वीडियो में पुनः स्वागत है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद द्विवेदी जी के भाई डॉक्टर अरुण कुमार द्विवेदी जी का सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुई थी। इस नियुक्ति को लेकर काफी विवाद हो चुका था। ये विवाद दोस्तों EWS कोटे यानी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जो कोटा होता है उसको लेके था। सबका कहना यह था कि मंत्री जी के भाई हैं तो इतने आर्थिक रूप से कमजोर तो होंगे नहीं। इस चीज को लेके EWS सर्टिफिकेट जो जारी किया गया था उस पर काफी विवाद गहरा गया था। ऐसे में मंत्री जी के भाई डॉक्टर अरुण कुमार जी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और ऐसे में एक प्रेस नोट भी जारी हो चुकी है। चलिए ये क्या कहते हैं इस प्रेस नोट में ही जान लेते हैं। दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पे प्रेस नोट आ चुका है। डॉक्टर अरुण कुमार पुत्र स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद ग्राम सनिचरा पोस्ट बरगदवा खकरी जिला सिद्धार्थनगर। अगर हम विषय की बात करें तो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर के मनोविज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर पद से त्यागपत्र के संबंध में। तो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं नीचे की तरफ कि डॉक्टर अरुण कुमार जी ने क्या कुछ कहा है। मेरी नियुक्ति दिनांक 21/5/2021 को असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में मेरी योग्यता PhD MA मनोविज्ञान गोल्ड मेडलिस्ट DIPR DRDO से JRF एवं SRF 17 पब्लिकेशन पुस्तक का संपादन इत्यादि के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत हुई थी, परंतु दुर्भाग्य से मेरे कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद इस नियुक्ति को लेकर मेरे बड़े भाई डॉक्टर सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश को इस नियुक्ति से जोड़कर मीडिया और सोशल मीडिया में उन पर निरर्थक निराधार और अपमानजनक आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कारण मेरे ईमानदार एवं कर्मठ व स्वच्छ राजनीतिक छवि वाले बड़े भाई के ऊपर कोई बेबुनियाद आरोप लगे। ये सब मेरे लिए असहनीय है। मैं मानसिक संतरास की स्थिति से गुजर रहा हूँ। मेरे लिए मेरे परिवार और मेरे बड़े भाई के सामाजिक राजनीतिक सम्मान से ज़्यादा अहमियत और किसी भी चीज़ की नहीं है, इस महत्वपूर्ण पद की भी नहीं। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने विवेक से आज दिनांक 26/5/2021 को अपने पद से त्यागपत्र दे चुका हूँ। नवंबर 2019 में आवेदन के समय मैंने अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार EWS का प्रमाण पत्र बनवाकर आवेदन किया था। बाद में उच्च शिक्षा में सेवारत लड़की से विवाह का प्रस्ताव आने पर अपने जीवन की बेहतरी के लिए प्रयास किया, जिसका अधिकार भारत का संविधान देता है, लेकिन इस पर भी आहत करने वाले आरोप लगाए गए। यहाँ मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 2019 में विज्ञापित हुए इस पद के लिए मैंने सारी योग्यताओं को पूरा करते हुए आवेदन किया था। आवेदन करने से लेकर साक्षात्कार और कार्यभार ग्रहण करने तक सारी प्रक्रिया मैंने स्वयं अपने विवेक से पूर्ण की थी। इसमें डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी का कोई भूमिका नहीं थी। तो दोस्तों, ये था प्रेस नोट। दोस्तों, मंत्री जी के भाई डॉक्टर अरुण कुमार जी ने जो त्यागपत्र दिया था उस त्यागपत्र का लेटर हम आपको दिखा रहे हैं। सेवा में माननीय कुलपति जी सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर। मैंने विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में दिनांक 21/5/2021 को कार्यभार ग्रहण किया था, परंतु व्यक्तिगत कारणों से मैं उक्त पद से त्यागपत्र देता हूँ। दिनांक 26/5/2021 और यहाँ डॉक्टर अरुण कुमार जी का सिग्नेचर। दोस्तों, चलिए हम दिखाते हैं कि इनका त्यागपत्र स्वीकार भी हो चुका है। दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पे जो पत्र दिखाई दे रहा है ये सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु के कुल सचिव राकेश कुमार जी ने जारी किया है। डॉक्टर अरुण कुमार ग्राम सिनेचरा पोस्ट बरगदवा खकरी इटवा सिद्धार्थनगर, महोदय, आपके त्यागपत्र दिनांक 26/5/2021 के संबंध में आपको सूचित करना है कि आपका त्यागपत्र दिनांक 26/5/2021 को माननीय कुलपति जी ने कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ पे कुल सचिव महोदय को देख सकते हैं आप कि उन्होंने लेटर जारी कर दिया है, इनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। तो दोस्तों, इस विवाद के बाद मंत्री जी के भाई डॉक्टर अरुण कुमार जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस इस्तीफा के बाद ये प्रेस नोट जारी किया गया है। दोस्तों, इस तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह के वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।